फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का दिन है बहुत ही खास और व्लॉग भी बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज कुछ बहुत ही स्पेशल बनने जा रहा है घर में। अब वो क्या बनने जा रहा है, एक्चुअली जनता की भारी डिमांड पे, मतलब बहुत दिनों से मैं सोच रही थी गोलगप्पा बनाने के लिए। और कुछ दिन पहले मैं ले करके भी आई थी गोलगप्पा, लेकिन वो पता नहीं कैसा स्मेल ही था, तो इसलिए फिर मन ही नहीं हुआ कि बनाया जाए। तो आज फिर आया है घर में गोलगप्पा, और आज आए हैं आटे के गोलगप्पे, तो इसीलिए अब आज उसकी रेसिपी तैयार हो रही है। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो बिना देर के भी चले देखते हैं कि आखिर गोलगप्पे कैसे बनाए जाते हैं। गोलगप्पा बनाने के लिए कुछ तैयारी पहले से करनी पड़ती है, जैसे कि मटर होती है ना, उसको भिगोना होता है। हम लोग मटर वाले छोले ही बनाते हैं, बहुत लोग आलू के स्टफिंग करके उसमें खाते हैं, लेकिन हम लोगों को पसंद है कि मटर वाले, मतलब बनारस में ऐसे ही मिलते भी हैं, तो आज वही बनारसी छोले स्टफिंग या फिर गोलगप्पे, सब कुछ आपको मैं बनारसी स्टाइल वाले ही रेसिपी शेयर करूँगी कि जिस तरीके से वहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरीके से मैंने मटर को उबाल लिया है सुबह ही, अच्छे से सीटी लगा के मैंने इसको अच्छे से गला दिया है। और साथ में जो मैंने एक चीज़ और करी है वो है, ये मैंने इमली को भिगो करके रखा है। अब बस देखते हैं कि कैसे बनेंगे चीज़ें। सो लेट्स गो। कुछ चीज़ें नहीं थी तो वो मैंने मंगा भी ली हैं, जैसे काला नमक ख़त्म हो गया था, और मतलब ये जो चाट वाली चीज़ें होती हैं ना, इसमें छोटी छोटी जो एलिमेंट्स होते हैं वो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसी से मुझे लगता है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो वो सारी चीज़ें मिस नहीं करनी चाहिए, तो कुछ भी आज मिस नहीं होगा और सब कुछ उम्मीद है अच्छा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये जो मैंने काला नमक मंगाया था उसी को मैं पैकेट में डाल रही हूँ, अदरवाइज़ वो गिर जाता, छोटा सा था ना इस वजह से। और अब ये मैं जो इमली होती है उसी को मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ, और इधर मैंने जीरे को भी भून के रख लिया, क्योंकि भुने जीरे का पाउडर का भी ज़रूरत होती है उसमें। इसके बाद ये मैं प्याज को छोटे छोटे काट ले रही हूँ, क्योंकि प्याज के बिना तो अच्छी ही नहीं लगती है चाट वाली चीज़ें। अब जो भुना, चूँकि मिक्स के ज़्यादा गीला हो जाता तो उसके बाद ये पाउडर नहीं बन पाता, तो इसलिए जो पाउडर बनाने वाली चीज़ें उनको मैं पहले पीसती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये भुने जीरे को पीस लिया और उसका पाउडर बना करके उसको मैं रख लूँगी। इसके बाद ये काली मिर्च है, इसको अभी मैं पाउडर बना लूँगी और फिर उसको स्टोर कर दूँगी, क्योंकि ये तो रेगुलर खाने में भी इस्तेमाल होता है, तो मुझे बनाना ही था, इसी बहाने हो गया। और ये है मेरे इमली का पेस्ट, इसको बहुत सारे लोग छान देते हैं ऐसे ही, मैं ऐसे नहीं छानती हूँ इसको, इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। इसमें से जो भी बीज थे वो मैंने हटा लिए, और फिर इसको इस तरीके से ग्राइंड करके और फिर स्टोर कर लूँगी, इसको यूज़ करते टाइम मैं छान लूँगी। तो बस ये है। अब चूँकि मेरा ये जो जार था वो गीला हो गया था, तो इसमें मैं अब धनिया डाल रही हूँ, मिर्च डाल दी मैंने, और ये करी पत्ता डाल दिया। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप पुदीना भी डाल दीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जो गोलगप्पे के पानी का। अब इन सारी चीज़ों को मैंने इस तरीके से पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल अच्छे सी प्यूरी फॉर्म हो गई है। अब मुझे करना क्या है कि इसको मुझे स्ट्रेन करना है स्ट्रेनर की हेल्प से। तो अब मैं इसको छान दूँगी। ये मैंने छोटी छन्नी पहले इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद वो छन नहीं पाएगा, तो इस वजह से मैंने ये बड़ी छन्नी ले ली। इसी स्ट्रेनर में ही मैं इसी टाइम पर इसमें इमली भी डाल दूँगी, मतलब जो इमली मुझे ऐड करनी है, क्योंकि वो मुझे मैंने स्ट्रेन तो की नहीं हुई थी, तो इस वजह से मैं यहीं पर इसको स्ट्रेनर में डाल दूँगी और फिर पानी डाल दूँगी, तो सारा का सारा जो अर्क होगा वो चला जाएगा इस पानी में। तो आप देख सकते हैं कि कितना एकदम खट्टा सा पानी बन के रेडी हो गया है। तो आप थोड़ा टेस्ट कर लीजिए, और फिर जैसा मुझे थोड़ा कम लग रहा था खट्टा, तो इसलिए मैंने इसमें नींबू भी डाल दिया। नींबू डालने से जो नींबू की खटास होती है वो अलग ही होती है। अब इसमें मैं सारी मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया, फिर ये भुने जीरे का जो मैंने पाउडर बनाया था वो ऐड किया, इसके बाद काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया, अब उसके बाद मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आज थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊँगी, क्योंकि शनि का तो वैसे भी नहीं खाने वाली। और ये मैंने काला नमक ऐड कर दिया इसमें। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार टेस्ट कर लूँगी कि क्या कमी है क्या ज़्यादा है, फिर उसको उस हिसाब से उसको बैलेंस करूँगी। अब स्टफिंग मैं रेडी कर रही हूँ जो छोले हैं, तो उसके लिए मैंने ये आलू पहले से बॉईल करके रखे थे, उसको मैंने मैश कर लिया, उसमें अब ये मैंने छोले को डाल लिया है। और इसको डालने के बाद इसमें भी मसाले जाएंगे, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो इसको प्लेन ही भर के खाते हैं, लेकिन हम लोग इसमें भी मसाले ऐड करते हैं, तो वही सारे मसाले जो पानी में गए थे वही सारे जाएंगे। ये चाट मसाला है, भुने जीरे का पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, इसके साथ में अब इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक डालूंगी, सफ़ेद नमक डालूंगी, प्याज डालूंगी और लाल मिर्च ऐड करूंगी, और साथ में मैं ये पानी भी ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि पानी की वजह से एक तो कंसिस्टेंसी इसकी मेंटेन हो जाएगी, थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाएगा, प्लस इसके साथ में जो इसका टेस्ट होगा ना वो बहुत अच्छा आएगा। और ये छोटी सी चीज़, मतलब कोरिएंडर में डाल रही हूँ हरी धनिया, उससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा नींबू डालने से इसका टेस्ट और इन्हांस हो जाएगा, वो डाल दिया मैंने, और ये लाल मिर्च ऐड कर दी। श्रोनिका का मैंने थोड़ा सा छोला निकाल लिया था और उसके बाद मैंने ये लाल मिर्च ऐड कर दी, और फिर से थोड़ा सा और पानी डालूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे सूखा लग रहा था इस वजह से।
सो अब यहाँ पर पे श्रीनिका और उसके पापा आकर के बैठ गए हैं क्योंकि मैं पूरा टेबल सेट कर रही हूँ क्योंकि होने वाला है गोलगप्पा चैलेंज और मुझे इस चैलेंज को जीतना ही है। तो जा करके वीडियो ज़रूर देखिएगा, गोलगप्पा चैलेंज का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है। तो ये पूरी तैयारी हो गई है गोलगप्पा खाने की और उसको खाना कैसे है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसा दिख रहा है हमारा ये गोलगप्पा टेबल। तो ये है हमारा गोलगप्पा टेबल, ये है मेरी प्लेट और ये है इनकी प्लेट, ये है श्रीनिका की प्लेट छोटी सी और ये हमारा स्टफिंग है कि जो हम लोग भरेंगे, छोला का मिक्सचर और प्याज डाल दिए मैंने और धनिया की पत्ती डाली थी उसी में है। ये पानी मैंने नीचे रख दिया क्योंकि गिर जाता और कटोरी में सब लोग पानी ले लें। तो ये हमारी टेबल सज गई है और अब हम लोग बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। तो ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर शेयर करिएगा आप लोग अपने कमेंट्स के थ्रू। अगला ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि वो होगा एक गोलगप्पा चैलेंज का ब्लॉग। सो गोलगप्पा चैलेंज करने के बाद अब मैं बिल्कुल थक गई थी और उसके बाद मैं सो गई थी और ये है शाम का टाइम। तो शाम को आज मेरे ठेले में बन रही है आलू की टिक्की की चाट। तो उसके लिए सबसे पहले टिक्की तैयार कर रही हूँ मैं और इस टिक्की को बनाने के लिए मैंने जो सुबह आलू उबाले थे उसी को मैंने रख लिया था और फिर उसके अंदर जो मैंने सुबह स्टफिंग में मसाले डाले थे ना, भुने जीरे का पाउडर, आमचूर का पाउडर, चाट मसाला, नमक, काला नमक, वो सारी चीज़ें ऐड कर दी थी मैंने और इसको अच्छे से अब मैं इस पर सेक लूँगी। बहुत सारे लोगों को बहुत क्रिस्पी टिक्की पसंद होती है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी टिक्की नहीं पसंद होती, इवन मतलब इनको भी क्रिस्पी बहुत नहीं पसंद होती है टिक्की। तो इसलिए मैं इसको पहले डिम आंच पे सेक रही हूँ, जब ये थोड़े से टाइट हो जाएंगे तो फिर मैं इनको थोड़ा सा ऐसे फैला फैला कर सेकूँगी ताकि अच्छे से मतलब सिक जाइए। और आप देख सकते हैं कि मैं अपना नया नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ इसको बनाने के लिए। और ये जो मेरा छोला था उसको मैं थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ क्योंकि फ्रिज में डाल दिया था मैंने और उसमें मैंने थोड़ा सा जो पानी था गोलगप्पे का वही डाल दिया है। और इस तरीके से ये मेरी आलू की टिक्की, उसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद अब अच्छे से मैं ये छोले को स्प्रेड कर रही हूँ इसके ऊपर। इसके बाद ये मैं मीठी चटनी डाल रही हूँ, थोड़ी सी इमली की चटनी नहीं है, ये सॉस की चटनी है, शायद मार्केट से कुछ लेकर आए थे उसी के साथ मिली थी। इसके बाद ये मैंने वो इमली जो पीस करके इमली का पल्प बनाया था वो डाल दिया मैंने, फिर ये काला नमक डाल दिया, भुने जीरे का पाउडर डाल दिया और अब नेक्स्ट इसके ऊपर जाएगा ये चाट मसाला। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसके बिना तो चाट कंप्लीट ही नहीं है। और ये लाल मिर्च का पाउडर, इसके बाद ये प्याज और धनिया इसके ऊपर अच्छे से डाल करके, और अगर दही अवेलेबल हो तो वो डाल दीजिए, मेरे पास दही नहीं थी तो वो ठीक है, वो नहीं डाली मैंने। हियर द चाट इज रेडी, चलो इसका रिव्यू लेते हैं कि कैसा है ये चाट। हाँ गए हो चाट, ओह माय गॉड कैसा है, आओ पूछो पापा से, पापा कैसा बना है? बहुत यम्मी बना है। यम्मी बना है बाबू, तुमको भी खाना है? गप्पा बना था इस चक्कर में आज बाबू दिन में भी ठीक से खाना नहीं खा पाई क्योंकि छोटा थोड़ा बहुत खा रही थी, तो इसलिए मैंने दाल तो इसकी बनाई थी लेकिन ये रोटी नहीं सेकने थी। मैं जब बोल रही थी चलो खाना खाओ बिल्कुल रेडी नहीं हो रही थी तो मैंने सिर्फ दाल ही खिला दी थी इसको, तो इसलिए बाबू को भी भूख लग गई है ना। तो कितना नंबर मिलेगा? 10 में 8। 8 नंबर, 2 नंबर किस बात का कट रहा है? दही थी नहीं। तो आज का दिन का जो टारगेट था गोलगप्पा चैलेंज और टिक्की की जो ठेले लगनी थी वो लग गई, सब लोग खा भी लिए, एंजॉय भी कर लिए और दिन भी बहुत अच्छे से बीत गया। अब टाइम है डिनर का, चल रही मैं फटाफट से खाना खिलाऊंगी श्रीनिका को, खुद भी खाऊंगी और बस ये छोटा सा व्लॉग है मेरा। अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। इसी तरह की वीडियोस के लिए मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।